दोस्तों, अगर आप भी 10,000 के अंदर कोई बेहतरीन स्मार्टफोन देख रहे हैं और आप चाहते हैं कोई अच्छा स्मार्टफोन मिल जाए मुझे, चाहे रियलमी का हो, रेडमी का हो, आपको कोई इश्यू नहीं है कि कोई चाइनीज़ ब्रांड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन कवर करने वाला हूँ जो कि बेहतरीन वैल्यू लेकर आता है, स्पेशली अगर आप एक ऑफलाइन सेगमेंट बायर हैं। तो दोस्तों, बिना देरी करे, मैं रजत, रजत टेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ और स्पीड से वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरे पास दो स्मार्टफोन जनरली रहते हैं। मैं एक वर्क के लिए यूज़ करता हूँ और एक अपने वीडियोस या फोटोशूट करने के लिए स्मार्टफोन यूज़ करता हूँ। जैसे कि अगर आपने वीडियोस फॉलो करी होंगी मेरी, तो वन प्लस नॉट स्मार्टफोन मैं जनरली अभी यूज़ कर रहा हूँ इस काम के लिए। दूसरा एक स्मार्टफोन दोस्तों था मेरा, रेडमी का एक स्मार्टफोन था 10,000 के अंडर का। वो रिसेंटली चोरी हो गया था मेरी पॉकेट से भीड़ भाड़ में, तो मुझे हड़बड़ी में एक फ़ोन लेना पड़ा क्योंकि 7 डेज़ डिलीवरी दिखा रहा था अमेज़ॉन। तो मैंने सोचा क्यों ना बहुत दिनों बाद एक ऑफलाइन ही स्मार्टफोन परचेज़ करा जाए। दोस्तों, इसी कड़ी में मैंने ये रियलमी का C15 परचेज़ करा है और इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा कि क्या अगर आप ऑफलाइन परचेज़ करना चाहते हैं मेरी तरह, कोई हड़बड़ी में आपको स्मार्टफोन परचेज़ करना है और आप वेट नहीं कर सकते 6-7 दिनों का, तो क्या यह स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ऑफर करेगा या नहीं। दोस्तों, तो फटाफट से देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ब्यूटीफुल सा बॉक्स पैकेज मेरे सामने है रियलमी C15 स्मार्टफोन का, और इसकी ब्रांडिंग में ऊपर लिखा हुआ है नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, जो कि दोस्तों रिव्यू में ही पता चल पाएगा फिलहाल। तो फटाफट से इसकी पन्नी मैं उतारता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका 2 सेकंड वक्त और लेना चाहूँगा, बताना चाहूँगा C15 स्मार्टफोन जो है वो 2 मॉडल्स में आता है। एक है मीडियाटेक वाला मॉडल और दूसरा है, मीडियाटेक बताना चाहूँगा, हीलियो G35 आता है और दूसरा ये वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन। मैंने जब ये पर्सनली अभी परचेस करने गया था, लगभग 2 घंटे पहले ही परचेस करके लाया हुआ स्मार्टफोन, तो एक शॉपकीपर मुझे चिपकाने की कोशिश कर रहा था इस स्मार्टफोन को, उसके नीचे ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन आप देख सकते हैं उस बॉक्स में नहीं लिखा हुआ था, फिर भी वो मुझे लगातार सेल करने की कोशिश कर रहा था। तो अगर आप भी ये परचेस करने का सोचें C15 स्मार्टफोन को, तो स्नैपड्रैगन परचेस करें, मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर बाई होगा। तो दोस्तों, बात हो गई अब स्नैपड्रैगन की, तो सबसे पहले बॉक्स ओपन करें तो मैं आपको बताऊंगा स्नैपड्रैगन का कौन सा सीरीज़ का प्रोसेसर हमें देखने को मिलता है और क्या चीज़ है इसमें। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं दिखा दूं आपको बॉक्स में, क्योंकि अभी आप जानते होंगे एंटी चाइनीज़ मूवमेंट काफ़ी चला है इंडिया में, उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने गूगल से कलेबरेशन करा है और गूगल मैसेंजर, डायलर और कुछ गूगल की स्टॉक ऐप्स जो पिक्सल फोन्स में आती हैं वो इसमें इनबिल्ट दी हुई हैं, ताकि आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहे। दोस्तों, बॉक्स पैकेज के पीछे आप देख सकते हैं RX2195 मॉडल नंबर दे रखा है इसका, 464 GB का ये वेरिएंट आता है दोस्तों, और मेड इन इंडिया आप देख सकते हैं। नीचे ऊपर कुछ 4 फीचर्स हाईलाइट करे गए हैं इसके। पहला फीचर आप देख सकते हैं 6000 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। 18 वॉट की क्विक चार्जिंग दे रखी है, क्वाड कैमरा सेटअप दे रखा है इसमें, और साथ ही साथ आपको मिनी ड्रॉप टाइप का ये स्क्रीन दे रखा है, जो कि ऐसा कोई खास बात नहीं है। तो दोस्तों, अब खुल जा सिम सिम करते हैं, खुल जा सिम सिम, ये खुल गया दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारा स्मार्टफोन रैपर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, निकाल के देखते हैं क्या ये रियलिटी में भी। ओहो दोस्तों, 10,000 के अंदर इतना प्रीमियम फ़ोन मैंने अभी तक नहीं देखा है। एक प्योर मैट फिनिश दे रखी है इसमें और रियलमी का ये कुछ डायमंड टाइप का कट डिज़ाइन दे रखा है। हालांकि अगर आपने रियलमी C1 यूज़ किया होगा तो वो डायमंड स्टाइल अलग था, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। 10,000 का फ़ोन होने के बावजूद मैं बोलना चाहूँगा रियलमी ने फिट फिनिश में काफ़ी अच्छा काम किया है, और लुक्स की बात करूँ तो लुक्स में डेफिनेटली फर्स्ट इंप्रेशन में थम्स अप है मेरी तरफ से। अब पीछे की साइड, जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, 4 कैमरा बोले तो 4 कैमरा दे रखे हैं इसमें। आगे चल के मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा इसकी। एक सिंगल टोन LED लाइट दे रखी है, रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों। बॉटम की साइड देखें तो दोस्तों सिंगल स्पीकर ग्रिल दे रखी है। एक जो चार्जिंग पोर्ट है इसमें वो micro USB है दोस्तों, ना कि Type-C है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों 3.5 mm जैक दे रखा है और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक भी अवेलेबल है। फ्रंट में देखें दोस्तों तो 6.5 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है और ऊपर एक टीयर ड्रॉप या ड्यू ड्रॉप नॉच आप कह सकते हैं। अब दोस्तों पावर ऑन करते हैं स्मार्टफोन को, और जब तक ये पावर ऑन होता है तब तक मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस डिटेल में बता देता हूँ, ताकि आप इस स्मार्टफोन को
फर्स्ट इंप्रेशन में जान पाएं क्या ये ऑफर करता है। तो दोस्तों कैमरे में ये 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा 13, 8, 2 और 2 मेगापिक्सल के कुछ चिंदी कैमरों के साथ आता है। फ्रंट में बात करूँ तो 8 मेगापिक्सल का एक टीयर ड्रॉप कैमरा मॉड्यूल इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। बैटरी की बात करूँ दोस्तों तो हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था 6000 mAh की बड़ी मॉन्स्टर बैटरी देखने को मिल जाएगी इसमें। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके दिल के बारे में यानी कि इस प्रोसेसर के बारे में, और कॉलकॉम स्नैपड्रैगन का 460 चिपसेट देखने को मिल जाता है इसमें दोस्तों, जो कि डिसेंट ऑफरिंग है। मैं कुछ खास तो नहीं कहूँगा, बट अगर आप एक स्नैपड्रैगन फ़ैन हैं, और आपको पता होगा अगर आप मोबाइल टेक गैजेट्स को फॉलो करते हैं, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स ज़्यादा बढ़िया एज करते हैं, ओवर द टाइम काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है रिगार्डिंग टू इट्स मीडिया टेक काउंटर पार्ट्स। तो मेरे हिसाब से एक डिसेंट ऑफरिंग है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। तो दोस्तों प्राइस की बात आ गई है तो मैं आपको फटाक से बता दूं, ये बॉक्स में प्राइस इसमें लिखा हुआ है आप देख सकते हैं 12,999 रुपये इसमें बॉक्स पैकेज पे लिखा हुआ है, मगर ये सही नहीं है। मैंने इसको दोस्तों ऑफलाइन 10,000 में परचेज करा है। हो सकता है ऑफर्स या नॉर्मल डेज में भी आपको 9,000 से 10,000 के बीच ऑनलाइन देखने को मिल जाए, या कुछ कम भी देखने को मिल सकता है हाई सेल डील्स में भी। दोस्तों अब देखते हैं हमें फ़ोन के अलावा बॉक्स में और क्या चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये तो पैकेज होकर ही आया था इसमें, ये इसकी लिफाफा है। अब ये दोस्तों सिम इजेक्टर टूल का ऑप्शन बना हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें बुक के साथ सिम इजेक्टर होगा। जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं सिम इजेक्टर टूल है इसमें। दोस्तों सिम इजेक्टर टूल की बात आई गई है तो देख लूँ मैं फटाक से कि क्या इसमें ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है या हाइब्रिड स्लॉट ही देखने को मिलेगा। सो देखते हैं रियलमी ने क्या दिया है हमें। ये बाहर आ गया बक्सा, और दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है, मेरे दोनों सिम गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल रहा है, यानी कि आप दो सिम के साथ साथ अगर आप एक्सपेंड करना चाहें स्टोरेज को, स्टोरेज मैंने हालांकि आपको बता दी थी कि 464 GB की स्टोरेज आपको ऑफर करता है फ़ोन, फिर भी क्योंकि आजकल की ऐप्स और काफ़ी चीज़ें हम स्टोर करते हैं मैंने फ़ोन में, तो 64 GB कम पड़ सकती है, इसका भी रियलमी ने पूरा ध्यान रखा है। तो दोस्तों मेमोरी कार्ड की बात आई गई है तो बता दूँ इसमें 256 GB तक आप मेमोरी कार्ड एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये रही कुछ बात इसकी स्टोरेज की, अब मैं इसको अंदर कर दूं, हालांकि काफ़ी हल्का क्वालिटी का लग रहा है ये मुझे किट। सो कैमरा की बात हो गई दोस्तों, फिंगरप्रिंट की बात हो गई, डिज़ाइन की मैंने दिखा दी आपको, हालांकि ये प्लास्टिक है बट काफ़ी अच्छे प्लास्टिक का यूज़ करा गया है। और फ्रंट पे थोड़ा सा हल्का सा कर्व्ड है, बट मुझे नहीं लगता इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होगी, और जैसा मैं बॉक्स में भी देख पा रहा हूँ इसमें कहीं भी गोरिल्ला ग्लास मेंशन नहीं करा गया है। तो बाकी अगर मुझे पता लगता है इसमें गोरिल्ला ग्लास के बारे में तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। सो फिलहाल के लिए दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं। लेफ्ट साइड में दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो वॉल्यूम रॉकर्स दे रखे हैं लेफ्ट साइड में वो हैं तो प्लास्टिक के, बट काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी और रिलायबल सी फील देते हैं। सिमिलर कहानी है पावर बटन की भी, फ्लिमजी बिल्कुल भी नहीं लगता, जो कि M31S के साथ था अगर आपने मेरा M31S का वीडियो देखा होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों लॉन्ग टर्म में काफ़ी मैटर करती हैं, क्योंकि बटन्स और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे यूज़ में यूज़ करते हैं, अगर इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लेटर डाउन द लाइन ये ख़राब होना तय है। सो अब मैं फटाक से इसको ओपन कर लेता हूँ, आपको एक इंटरफेस का लुक लाइक दिखा देता हूँ, और साथ ही साथ इसका साउंड टेस्ट भी फटाक से कर लेते हैं ताकि ये पता लग जाए अगर आप काफ़ी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आपको इसमें एंजॉय आएगा या नहीं। दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ये फर्स्ट लुक इंटरफेस का, और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे काफ़ी सोबर सा लुक लग रहा है देखने में, ना ही ज़्यादा फैंसी सा है ना ही ज़्यादा बुरा है, इवन मुझे कुछ कुछ स्टॉक एंड्रॉयड की फील दे रहा है ये जैसा इंटरफेस है। स्पेशली इसका ये गूगल डायलर ऐप आप देख सकते हैं कितना फास्ट ओपन हुआ है, ये मैसेंजर ऐप है। सो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं मुझे फर्स्ट इंप्रेशन में। इस फ़ोन ने कोई भी ऐसा दुखदाई दर्द नहीं दिया है जो मैं आपको बताऊं कि इस फ़ोन को मत लीजिए या ऐसा कुछ, बाकी रिव्यू का वेट करें अगर आप इस फ़ोन को ले रहे हैं। और थोड़ा तो हैवी है दोस्तों, 209 ग्राम वे करता है। दोस्तों ये मेरी ही चैनल की वीडियो है, इसको मैं प्ले करूंगा, और ये मैंने आपके सामने साउंड फुल कर दिया है। Hey guys, welcome back. Hello, दोस्तों, welcome back to Digitech. ये देखिए दोस्तों मैंने ये कर दिया, आप डिस्प्ले क्वालिटी भी देख सकते हैं, पता नहीं क्यों जूम नहीं हो पा रहा, जूम हो गया दोस्तों। अब मैं ये इसका स्पीकर है, बिजी ही रहता है, मैंने जनरली देखा जब भी त्योहार का दिन होता है तो ज्यादा ही काम रहता है, चाहे ऑफिस का लो चाहे आपके फॉर्म का ले लो या कोई भी ऐसा काम ले लो, तो काम
जनरली ज्यादा ही रहता है। सो गाइस दिए वगैरह ला लेता हूँ मैं, फिर ब्लॉग में। दोस्तों ये था कुछ एक साउंड टेस्ट, अगर आपको साउंड पसंद आए, फ्रेंकली दोस्तों मैं बताऊँ तो साउंड जो है वो ठीक है, डिसेंट है, ना ही बहुत बुरा है कि आप सुनाई नहीं देगा, ना ही इतना अच्छा है कि आप भीड़ भाड़ में भी सुन लोगे। सो साउंड मैं डिसेंट कहूँगा इसका। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशंस काफ़ी अच्छे हैं, डिज़ाइन और कैमरा को भी, अगर मैं कैमरा में दोस्तों एक सेपरेट वीडियो में करता हूँ, नहीं तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है इसमें, 8 का फ्रंट में। कुछ सैम्पल्स मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ ही, आप देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने जितना बताना था इस फ़ोन को इनिशियली देखकर, अभी मैंने 2 घंटे में जो देखा है इस फ़ोन को आपको सब बता दिया है। बाकी दोस्तों वेट करिए रिव्यू का, अगर आप इस फ़ोन में इंटरेस्टेड हैं परचेस करने में। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन आइकन का घंटा भी ज़रूर दबा दें, हमें आपके लाइक एंड कमेंट से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं अगले वीडियो में।